सुरभि ने मुझे धोखे से, हाँ वो मैंने, मेहर कार्तिक, मेहर नींद में चल रही है, है? क्या मेहर? कुछ लोगों को ना नींद में चलने की बीमारी होती है, शायद मेहर को भी वो बीमारी है। कमाल है, नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती पगली, मेरी परफ्यूम को सूंघकर यहां तक खींची चले आई होगी। धीरे बोली, अगर ये उठ जाएगी ना तो सुहागरात करने की जिद करने लगेगी, आपकी सुहागरात और शायद मेरी काली रात। हाँ ठीक है ठीक है, इस मुसीबत को यहां से लेके जाता हूं। जीजा जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? सुहागरात की सेज छोड़कर आप बाहर? क्या साले साहब, पंडित जी से हमारी शादी की कुंडलियां नहीं मिलवाई, लेकिन कम से कम अपनी प्यारी बहन, अपनी दुलारी बहन के बारे में ये तो बता दिया होता कि इसको नींद में चलने की आदत है। आपको तो पता ही होगा ना इसके बारे में। सॉरी, वो मैं बताना भूल गया। कोई बात नहीं, अगर आपकी बहन में और कोई भी डिफेक्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले तो दिमाग से गई हुई है, दूसरा उसको नींद में चलने की आदत है, और कुछ भी बोलने लायक है तो बोल दीजिए। मेरी बहन के बारे में? पत्नी बना दिया आपने अपनी बहन को मेरी, इसके बारे में सब कुछ जानने का हक है मुझे। भाई मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? आइए साहब, बाहर चलो, बात करनी है। क्यों? इन लोग से डरने की जरूरत नहीं है साहब। बाहर मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? पहले आप एक बात बताइए, आप इधर काहे को आए? मंजे मेरे को चिल्लाने को आए कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं आप पर हंसी, या मेरे को पूछने के वास्ते आए कि मैं काय को हंसी? नहीं क्या है ना साहब, अभी आप जैसा सवाल पूछेंगे ना ताई वैसा ही जवाब देने को वाली है। कुछ पूछा मैंने? मस्त घड़ी है, नहीं करके भी 5 लाख की तो होनी मांगती है ना सारी। जवाब, कान में तेल डाल के सुनने का, एक हिच बार बोलेगी मैं, वो जो दो हंसों का जोड़ा है ना कार्तियानी सुरभि, उनको कच्चा नींबू नहीं समझने का साहब। आपको क्या लगता है साहब कि आपने सुरभि को जबरदस्ती इधर रोक रखा है? नहीं साहब, वो दोनों पति पत्नी ने मिलकर ऐसी पट्टी पढ़ाई है आपको कि आपको यही लगे कि आप नहीं रोका है। येड़ी है आपकी बहन, पन भोली है, आनी इसी भोलेपन का फायदा उठाकर वो कार्त्या और वो सुरभि आपकी बहन को उल्लू बना रहे हैं। एक बात तो नक्की है कि जब तक सुरभि इस घर में आपकी छत के नीचे है, वो आपकी बहन की गृहस्थी नहीं बसने देगी। फिर से वही खिसा पिटा राग। अरे एक ही राग रहता है जिंदगी का साहेब, बस सबका आलाप अलग अलग होता है। हाँ लेकिन सुरभि इस वक्त क्या आलाप रही है ये इसका सबूत है ही मेरे पास। ये वही दूत का ग्लास है जो मेहर बेबी को उनके नए नवेले पति ने खुद अपने हाथों से पिलाया था, देख लीजिए कुछ जमा है इसमें नीचे।
दूध के बहुत सारे फ्लेवर आए मार्केट में, बोले तो जैसे चॉकलेट, पर नीम की गोली का फ्लेवर वो अब तक नहीं आया साहब। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये काम सूर्य और कार्तिक का ही है? चला ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। पंजे साहब मेरे से जो भी बात करने का है ना, इसे घुमा फिरा के नहीं करने का, साफ साफ बोलने का कि आपको मेरे पे शक है। दिल से नफरत करती है मैं उस सुरभि के साथ। अरे अगर मेरा बस चलता ना साहब तो मैं खुद इस सुरभि का घर उजाड़ देती। आज रात भी उजड़ जाता अगर मयूर बेबी और कार्तिक की सुहागरात की सही सचती। मैं काय के लिए दखल अंदाजी करेगी मयूर बेबी और कार्तिक के रिश्ते में? वैसे साहब ये घड़ी मेरे किस काम की? इसको आप ही रखो साहब, मेरे को तो अभी रोकड़ा मांगता है, कैश 5 लाख। साबित कैसे करोगे कि ये सब इन दोनों का किया धरा है? क्या साहब आप भी अभी 5 लाख में क्या क्या खरीदेंगे आप? महंगाई का जमाना है ना, हाँ इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, लेकिन आप हुकुम कीजिए ना। ताई मालिक के लिए जहर पी सकती है तो जहर पिला भी सकती है। कल सुबह मेरे कमरे में आकर कैश ले जाना। सब कुछ बताना था ना, और ज्यादा पैसे मिलते। चीते की चाल, पास की नजर और ताई के शातिर दिमाग पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। सबर रखना सीख आंटी, में पहले लेने तो दे इसको मेरे को। आज के लिए इतना ही काफी है मेरे लिए, लेकिन कल ताई 5 का 15 लाख खींचेगी इससे। तो सुरभि ने आरती शुरू कर दी। मैं कहाँ है? बाथरूम में नारी होगी, तब तक मैं सुरभि से मिलकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग। रोज ऐसी इतनी मीठी शुरुआत हो ना दिन की, तो क्या बात हो? अचानक कार्तिक, इतना अच्छा तो लग रहा था, फिर से जफ्फी पाओ ना मुझे। मैं वो बाथरूम में शावर चल रहा था। ओह, वो मैं जल्दी में भूल गई होंगी। यहाँ पे लोगों को पीने को पानी नहीं और तुम ऐसे पानी वेस्ट कर रही हो। तुम सही कह रहे हो कार्तिक, मैं अभी बंद करके आती हूँ। हाँ सॉरी पप्पा, पहले बताना चाहिए था ना। सुरभि सॉरी, आप मुझे लगा कि तुम देखिए, मैंने आपकी सुबह की मीठी शुरुआत जिस तरीके से आपने उसे हक किया था उसे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा है ना? सुरभि अब वो सुबह सुबह 6 बजे उठकर पूजा करने वाली तो नहीं लगती ना, मुझे क्या पता था कि वो वहां होगी। जो भी हो अच्छा तो लग रहा होगा आपको, एक के साथ एक मुफ्त जो मिल रही है। बस सुरभि, मजाक की भी हद होती है। जूस पीना है ना तो फ्रेश पीना पड़ेगा, बच्चे के फायदे के लिए गवार कहीं की। क्या कार्तिक, क्यों इससे झगड़ा कर रहे हो सुबह सुबह? मैर तुम रहने दो, इन सब बातों में मत पड़ो, इस फालतू की बहस में ना तुम्हें भी लपेट लेगी और फिर हम दोनों की लड़ाई करवा देगी। क्या हुआ जीजा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको तो पता ही होगा कि इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा ये बताइए, रात को नींद पूरी हुई कि नहीं हुई? मेरा मतलब है शादी के बाद पहली रात थी ना,
वो भाई अच्छी बहुत अच्छी। भाई मैं ना बहुत थक गई थी इसलिए जल्दी सो गए। आई अंडरस्टैंड निको। भाई तुम दोनों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है भाई, दिखाओ। हाँ दिखाने की चीज नहीं, तुम दोनों खुद जाओ और एक्सपीरियंस करो। मैंने 5-star 6 stars होटल का हनीमून स्वीट बुक करवाया 24 घंटों के लिए। वाह भाई, थैंक यू सो मच। देखा कार्तिक, कमाल कर दिया ना भाई ने। अरे निको, तुम दोनों की खुशी के लिए तो कर रहा हूँ मैं सब कुछ। जीजा जी, आप निको को लेकर अभी चले जाइए, कपड़े मैं भिजवा दूंगा और बाकी सब सामान है वहां पर। आपको कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। भाई आई लव यू, थैंक यू सो मच। देखा कार्तिक, क्या हुआ अगर सुहागरात नहीं हो पाए? अब हमारे पास 24 आवर्स हैं, दो दो सुहागरात भी दिन में। Isn't that crazy? चलो कार्तिक। सुरभि जी, जब ये दोनों होटल के कमरे में सुहागरात मनाएंगे, आप अपने कमरे में आराम कीजिएगा। माँ बनने वाली है ना, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बस मैं तो चाहता हूँ एक बार इन दोनों का मिलन हो जाए, फिर तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। रंजीत, आज के दिन घर को बाहर से गार्ड करो, ना कोई बाहर जाएगा और ना कोई घर के अंदर आएगा, समझ गए? आप भी अपने कमरे में जाइए। और हाँ सुरभि जी, अगर कोई भी आपको काम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आज पूरा दिन घर पर ही हूँ। मैं पूजा करने के बाद अपने कमरे में चली जाऊंगी। अब क्या करूँ पापा? मिस्टर खन्ना ने जो सुहागरात प्लान की है कार्तिक के लिए, उसे मैं कैसे रोकूं? भाई तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। सुरभि को यहाँ घर पे रोक कर कार्तिक को मेहर के साथ होटल भेज दिया। अब तुम्हारे प्लान के हिसाब से आगे क्या? साहब, ताई का प्लान ना कभी फेल होता ही नहीं है। अभी आप देखो, मैं कैसे साबित करती है कि वो बचपन के प्रेमी मिलकर कैसे आप दोनों भाई बहन का येड़ा बना रहे। जिस दिन इन दोनों को अलग कर दिया, ये और भी खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लो साहब, ताई है ना, ऐसा शॉर्ट सर्किट करेगी मैं इनका कि कार्तिक और सुरभि दिन में तारे देखेंगे साहब। कार्तिक, देखो ना कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस भेजी है भाई ने। ये मिस्टर खन्ना ने भेजा? क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? रेड हॉट है कार्तिक, वो क्या कहते हैं जो सुहागनों का रंग होता है, सिंदूरिया लाल। अच्छा, ज्यादा ही बोलनी है? बोल का क्या मतलब कार्तिक? ऑफ कोर्स भाई नोस, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए, ओनली फॉर योर आईज। अच्छी बात है, काफी मॉडर्न ख्यालात लगते हैं तुम्हारे भाई के। वो तो है, एकदम प्रिंसेस की तरह लगते हैं भाई मुझे, जो मांगते हैं सब दे देते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे भी तो तुम्हें लाकर दिया ना। You're so cute कार्तिक, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, पता है? इसे सच कहूं कार्तिक,
तुमसे थोड़ा सा कम। चलो मैं जल्दी से चेंज करके आया। अब सुंदर तो दिखना होगा ना तुम्हारे लिए, आफ्टर ऑल एक पूरा दिन और एक रात बितानी है तुम्हारे साथ। हेलो, हेलो सुरभि। हाँ बोलिए, आप पहुंच गए हनीमून सूट में? पहुंचा? सुरभि चूहे की तरह मुंह में दबोच के लेकर आई मुझे ये बिल्ली। तैयार होने गई है मुझे खाने के लिए। मास्टर जी कोई तरकीब निकालो, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं यहाँ घर पर बैठे बैठे क्या कर सकती हूँ? चारों तरफ से पहरा लगा रखा है मिस्टर खन्ना ने। जो भी करना है आपको ही करना होगा। सुरभि प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। अच्छा, तुमने तुमने लास्ट टाइम भी हेल्प की थी ना, वो मंत्र। हाँ मैं काम करता हूँ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओके, मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज है, सुरभि। I'm sorry कार्तिक, मैं आपको बताना भूल गई कि ये मंत्र बार बार काम नहीं करता। मिस्टर खन्ना ने हमारी तरफ गुगली फेंक और हम क्लीन बोल्ड हो गए। सुरभि, हम लोग क्रिकेट का T20 मैच नहीं खेल रहे यहाँ पे, और तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस बार आपकी सुहागरात को चौपट करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्ली और उसके भाई को शक हो जाएगा और हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आप हमारे बारे में नहीं, आप शांति के बारे में सोचिए। हमने ये सब झूठ क्यों बोला? ताकि वो बिल्ली हमें शांति तक पहुंचा दे। जब तक हम शांति को ढूंढ नहीं निकालते ना, तब तक आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। सुरभि, सुरभि, सुरभि तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो सुरभि। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बोलो, कब तक मैं ऐसे आंखें बंद करके खड़ी रहूंगी? मैंने तो अपने आप को देखा भी नहीं मिरर में। सोचा कि सबसे पहले तुम्हारी नजर पड़नी चाहिए मुझ पे। प्लीज ऑनेस्टली बोलना कि मैं एकदम बॉलीवुड स्टार्स की तरह हॉट लग रही हूँ। बोलो ना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? बूटी, एकदम ब्यूटीफुल, वो कहते हैं ना, हॉट एंड हैपनिंग मैडम। तुम, हाउ डेयर यू स्टुपिड, जस्ट गेट लॉस्ट। सुरभि तुम ठीक तो हो ना? हाँ कार्तिक, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप वापस क्यों आ गए? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? बहुत परेशान हो गया था मैं तुम्हारे चीखने के बाद, सुनने के बाद तुम्हारा फोन बंद। कितनी बार ट्राई किया मैंने। जब मैं आपसे फोन पे बात कर रही थी तो ताई ने मुझे धक्का दिया। पंचावकाश रहने का
सॉरी कार्तिक। सुरवि, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें इस घर में रुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में खतरा हो सकता है, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ताई ने मुझे धक्का दिया तो उन्होंने मुझे बचाया क्यों? कार्तिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार्तिक, हमें सतर्क रहना होगा। कार्तिक, इससे पहले कि हम लोगों को कोई यहाँ एक साथ देख ले, आप प्लीज यहाँ से जाइए। कार्तिक, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ये वादा रहा। सच्चा प्यार कितना भी छुपाओ, नहीं छुप सकता। वो साहब आइए।